अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हेरोस्टिक व्लॉग्स। आज हम लोग अपने इस बालों पे करेंगे बेबी लाइट से। आप लोग बालों का बिफोर देख सकते हैं। इन बालों में ग्रे हेयर कवरेज बहुत ज़्यादा थी कि आपके सामने शो हो रही है। हम इसके लिए सबसे पहले मटेरियल बनाएंगे, हम लोग डी कलर बनाएंगे। इसके लिए हम लोगों ने 1 स्कूप पाउडर लिया है और 2 स्कूप हम लोगों ने इसमें वॉल्यूम ऐड किया है। हमेशा इसमें 1:2 की रेशो से हम लोग अपना मटेरियल बनाते हैं। इसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले हम लोग बालों में वेविंग टेक्निक के साथ फॉइलिंग करेंगे। ये जो आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, ये जो जिस तरह से बालों के सेक्शंस लिए जा रहे हैं वेव्स के फॉर्म में, इसको कहते हैं वेविंग। वेविंग जब हम लोग बालों में कर लेंगे, उसके ऊपर हम लोग अपना मटेरियल अप्लाई करेंगे और उसको फॉइल पेपर में रैप कर देंगे। और जो हमारे ग्रे हेयर कवरेज है ना, उसके लिए हम लोग डार्क कलर अप्लाई करेंगे ताकि जो भी हमारे ग्रे हेयर्स हैं वो डार्क कलर से कवर हो जाएँ। ये आप देख सकते हैं, हम लोग रूट्स में डार्क कलर अप्लाई करें, उसको अच्छी तरह से मल्सीफाई करेंगे ताकि सारे बालों में हमारा कलर पेनिट्रेट हो जाए और हमारे ग्रे हेयर कवर हो जाए। अब हम लोग अच्छी तरह से बालों को मल्सीफाई करेंगे ताकि हमारा सारा कलर अच्छी तरह से बालों को कवर कर दे। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में अगेन वेविंग करेंगे और जिन बालों पे हम लोगों ने वेविंग करके सेक्शन सेपरेट किया है, उन पे हम लोग डी कलर अप्लाई कर देंगे बेबी लाइट्स के लिए। हम लोग इसी तरह सारे बालों पे फॉइलिंग कंप्लीट कर देंगे। हम लोगों ने वेविंग वाले पे डी कलर अप्लाई करके फॉइल कर दिया है और जो बाकी थे उन पे हम लोगों ने डार्क कलर अप्लाई करके ग्रे हेयर कवर कर लिया। अब हमारा ये 7 का लेवल अचीव हो चुका है। अब हम लोग इसको वॉश कर देंगे और बालों में जितना भी मटेरियल है उसको रिंस कर देंगे। देखिए, सिंपल वाटर से हम लोगों ने बालों से अपना मटेरियल रिंस करना है। ये जब हम लोग बाल वॉश करेंगे तो हमारा ये रिजल्ट आएगा। अब हम लोग इसके ऊपर सारे बालों पे कलर अप्लाई कर देंगे ताकि हमारे सारे बालों में बहुत खूबसूरत कलर आ जाए। ये देख सकते हैं आप हमारा फाइनल रिजल्ट, ये बेबी लाइट्स हैं, ये बिफोर और आफ्टर। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, अल्लाह हाफिज़।